हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th ऑफ एक्सरसाइज 6.1. ओके, इन द एक्सरसाइज 6.1 वी आर हैविंग 6 क्वेश्चंस. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट योर नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके, सो सी द स्टेटमेंट और अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट केयरफुली. इन द गिवन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू इज अ लाइन एंड रे ओ आर, दिस वन इज ओ आर perpendicular to the line PQ. OS is the another ray lying or between the OP and OR. ये देखिए, इसने बोला ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये इसके ऊपर लाई कर रही है और ये इन दोनों के बीच में है. प्रूव दैट दैट आर ओ एस इज अ हाफ ऑफ द एंगल क्यू ओ, दैट इज क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, दैट इज पी ओ एस. ठीक है, कि ये इसका हाफ होगा, ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपको गिवन क्या है. मैंने आपको हमेशा बोला जो भी चीज आपको गिवन होती है यू हैव टू यूज दैट, वहां से आपका कोई ना कोई रिजल्ट पक्का निकल आएगा. ठीक है, इट इज गिवन दैट ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू. और अगर परपेंडिकुलर है तो ये जो एंगल है कितने का होगा, 90 डिग्री का. सो एंगल पी क्यू, सॉरी, एंगल पी ओ आर इज 90 डिग्री. आफ्टर दैट एंगल पी ओ एस, पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर इज ऑल्सो 90 डिग्री. देखिए, बिकॉज इन दोनों को एड करने के बाद ही आपका ये पूरा एंगल बन रहा है. ठीक है, तो मैंने इसके दोनों पार्ट्स जो हैं वो यहां पर लिख दिए हैं. तो यहां से अब आप क्या कीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए एंगल एस ओ आर और वी कैन से आर ओ एस. ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस. राइट इट एज अ फर्स्ट इक्वेशन. ओके, नाउ एंगल क्यू ओ आर 90 डिग्री. ऑब्वियसली अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये जो एंगल है क्यू ओ आर ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा आपके पास. और वी कैन राइट इट इज जस्ट लाइक एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस. अब देखिए, एंगल क्यू क्यू ओ एस ये पूरा एंगल है, इसमें से मैंने एंगल आर ओ एस को सब्ट्रैक्ट कीजिए. देखिए, ये पूरा एंगल था, ऐसे अलग से समझ लीजिए, ये है आपके पास, ये था, इसमें से मैंने ये निकाल दिया तो मेरे पास ये वाला एंगल बच गया. ठीक है, और वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के. ओके, एंगल आर ओ एस कह लीजिए या एस ओ आर कह लीजिए, बात एक ही है आपके पास. ठीक है, यू कैन राइट इट जस्ट लाइक आर ओ एस. ठीक है, एंगल ओ की ही बात हो रही है, इज 90 डिग्री यहां से आ गया हमारे पास. तो यहां से आपके पास जो एंगल आर ओ एस आया वो क्या आ गया, एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री. राइट इट एज अ सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, हमने इसे क्या लिख दिया, सेकेंड इक्वेशन. नाउ एड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड. अब आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को एड कर दीजिए. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू खत्म हो जाएगी आपके पास. एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन. अब फर्स्ट इक्वेशन मैं यहां दोबारा लिख देती हूँ, आर ओ एस इज 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन. एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन. जब आप इसे एड करेंगे, ठीक है, तो एड कर लेते हैं, यहां से देखिए क्या हो जाएगा, टू आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस. अब ये तो आपका कैंसल ही हो गया. ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस एंड एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस. ठीक है, और यही आपको क्या करना था, यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव. ठीक है, दोबारा देखते हैं एक्चुअली में हमने किया क्या है. नाउ हेयर वी आर. देखिए, हमने सिर्फ क्या किया, ये जो ओ आर आपको परपेंडिकुलर गिवन है ना, हमने सिर्फ इसका यूज किया है. ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन दी पी क्यू.
अब ये 90 डिग्री है तो मैंने इसके दोनों सब पार्ट्स को लिख लिया. आफ्टर दैट आपका जो एंगल आर ओ क्यू है दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री और मैंने एस ओ क्यू की टर्म्स में उसे लिखा यानी एस ओ क्यू माइनस एस ओ आर दैट इज योर आर ओ क्यू राइट. फिर हमने क्या की दो क्या किया दोनों की इक्वेशन बना ली और उसके बाद उसे क्या कर दिया एड कर दिया ठीक है. उसके बाद आपको आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा. आफ्टर दैट लेट अस टॉक अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है. आपके क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम बात करते हैं. इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री. एक्स वाई जेड आपको गिवन है एक्स वाई जेड दिस वन इज योर 64 डिग्री. एक्स वाई इज अ प्रोड्यूस टू पी. हमने फिर जो ये एक्स वाई है ना इसको एक्सटेंड कर दिया इस पॉइंट से यहां तक पी. ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन इफ रे y क्यू बायसेक्ट एंगल जेड वाई पी. अगर एक हमारे पास क्या हो जाए y क्यू हो जाए जो बायसेक्ट करे जेड वाई पी को. फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी ठीक है. अब आपको ये दो एंगल निकालने. रिफ्लेक्स का मीनिंग आपको ऑलरेडी मैंने क्लियर कर रखा है इंट्रोडक्शन वीडियो में ठीक है. सो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की. ये फिगर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इन्फॉर्मेशन से हमने कैसे बनाई है. एक एंगल बना दिया सीधा सा एक्यूट 64 एक्सटेंड कर दिया. आफ्टर दैट क्या गिवन है आपको कि बायसेक्ट आपको एक लाइन बनानी है वाई क्यू ऑफ जेड वाई पी वो हमने ड्रॉ की है ठीक है. नाउ इट इज गिवन दैट यू राइट हेयर इट इज गिवन दैट लाइन वाई क्यू बायसेक्ट एंगल पी वाई जेड. ऑब्वियसली पी वाई जेड को बायसेक्ट कर रही है और वी कैन से जेड वाई पी को बायसेक्ट कर रही है. हेंस आपके पास ये एंगल इक्वल होंगे. अभी इक्वल पार्टीशन में कर रही है तो आपका हो जाएगा क्यू वाई पी यानी ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल जेड वाई क्यू यानी ये वाला एंगल. अब कोई चीज हाफ में कर रही है तो जो ये एंगल है ये इसके इक्वल होगा बिकॉज दिस वन इज योर बायसेक्शन. ये आपका बायसेक्शन है ठीक है. नाउ इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट पी एक्स आपकी एक्सटेंडेड लाइन है इज अ लाइन और इस पे जितने एंगल से सम कितना होगा 180 डिग्री. एंड क्यू वाई जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड में लगाया हुआ है वो हम यहां लगाएंगे. एंड जेड वाई मीट्स ऑन वाई लाइज ऑन पी एक्स जो कि पी एक्स के ऊपर लाई कर रहा है. नाउ एंगल एक्स वाई जेड हमने एक ले लिया प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी ओके दैट इज 180 डिग्री. तीनों का सम इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का भी. अब देखिए ये एंगल हमें गिवन है दैट इज योर 64 डिग्री. ये दोनों आपस में इक्वल है तो मैं पुट कर सकती हूं. मैंने यहां पुट कर दिया क्यू वाई पी जेड वाई क्यू की जगह यहां पर भी क्यू वाई पी 180 डिग्री. ये कहां से पुट किया देख लीजिए मैंने यहां से पुट की है ये वैल्यू ठीक है. तो ये हो जाएगा 64 डिग्री प्लस 2 क्यू वाई पी इक्वल्स टू 180 डिग्री ओके. आफ्टर दैट आपके पास आ जाएगा 2 क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 116. नाउ एंगल क्यू वाई पी ये कितना हो जाएगा 58 डिग्री. अब आपको क्या करना है एक्स वाई क्यू निकालना है और साथ में रिफ्लेक्स भी निकालना. और रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं 360 में से माइनस रिफ्लेक्स क्यू वाई पी 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री विच इज इक्वल टू 302 डिग्री. अभी आपका रिफ्लेक्स तो आ गया राइट. आफ्टर दैट एंगल एक्स वाई क्यू जो एक्स वाई क्यू है देखिए ये है आपका एक्स वाई क्यू. ये किसके इक्वल है एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू के इक्वल और जेड वाई क्यू क्यू वाई पी के इक्वल है. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू और एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू हमारा किसके इक्वल था एंगल क्यू वाई पी के वो हम निकाल चुके हैं. ये आपका कितना है 64 डिग्री. ये कितना है 58 डिग्री दैट इज 122
टू, ये आपका क्या आ गया एंगल. हेंस आप यहां लिख दीजिए एंगल एक्स वाई क्यू इज 122 डिग्री एंड एंगल सॉरी रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी दैट इज योर 302 डिग्री. ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था. ठीक है, आज हमने फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन भी यहां पे फिनिश कर दिया है. इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू सो मच.